सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी ए संदीप दसराफ, योर फ्रेंड, मेंटर एंड कोच. सो कैसे हो आप? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे हैं और आपकी प्रिपेरेशन अच्छी चल रही है, राइट? इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक 10 डेज स्टडी प्लानर फॉर सी ए फाइनल ऑडिट. कि अभी तक अगर आपने ऑडिट का प्रिपेरेशन शुरू भी नहीं करा है, अगर अभी तक आपने ऑडिट का प्रिपेरेशन शुरू भी नहीं करा है, तब भी आप अपने सी ए फाइनल ऑडिट को सिर्फ 10 डेज में कंप्लीट कर सकते हो इफ यू हैव ए स्ट्रॉन्ग विल एंड ए स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन. सिर्फ 10 दिनों में सर? ये सिर्फ 10 दिनों में आप कंप्लीट कर सकते हो सर अपने सी ए फाइनल ऑडिट को. एंड सर कैसे पॉसिबल है सर वो चीज? हाउ इट इज पॉसिबल दैट आई कैन कंप्लीट बोथ सी ए फाइनल ऑडिट एंड आई कैन कंप्लीट इट इन जस्ट 10 डेज? यस माई फ्रेंड्स, यू कैन कंप्लीट सी ए फाइनल ऑडिट इन जस्ट 10 डेज, राइट? नॉट ओनली सी ए फाइनल ऑडिट बट ऑल्सो लॉ, वो भी आप आराम से 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हो. आपको देना क्या होगा? 10 आवर्स पर डे कमिटेड टुवर्ड्स ऑडिट. 10 घंटे आपने डिवोशन के साथ, डेडिकेशन के साथ, फुल ऑन भक्ति भावना के साथ सिर्फ और सिर्फ सर क्या करना है? ऑडिट के लिए देना है, राइट? दैट इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू. तो अगर आप वो देने के लिए तैयार हैं तो 10 दिन के अंदर सर ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा. लेकिन यहां पर एक कंडीशन है कि ये 10 डेज जो आप देंगे ना ऑडिट के लिए, इस 10 डेज के अंदर कोई और डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए. मतलब 200% जब का फोकस है, जब का कमिटमेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑडिट की तरफ होना चाहिए. ना कोई दूसरे सब्जेक्ट को आप हाथ लगाएंगे, ना पर्सनल लाइफ के कोई प्रॉब्लम्स को बीच में आने देंगे. 10 डेज अपना जो फोकस है सिर्फ और सिर्फ ऑडिट की तरफ होगा. प्लस आप मेरे दिए गए गाइडेंस को 100% फॉलो करेंगे. क्लासेस में जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी हुई है आप उनको प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे. अगर आप करते हैं तो ये स्टैंडर्ड में ऑडिट हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, राइट? ऑब्वियसली उसके बाद भी रिविजन चाहिएगा, बट एक बार के लिए आपका ऑडिट का तैयारी अच्छे से हो जाएगा. लेकिन यहां पे इसका प्री रिक्विजिशन ये है कि सेल्फ स्टडी के थ्रू 10 डेज में ऑडिट पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सेल्फ स्टडी टेक्स मच मोर टाइम. क्लासेस के थ्रू अगर आप जाते हो और जो गाइडेंस आपको दिया गया है, जो तरीके आपको बताए गए हैं, अगर आप उसके थ्रू जाते हो, वो सारी चीजें फॉलो करते हो, तब जाके एक स्मार्ट मैनर में आप 10 डेज में ऑडिट खत्म कर सकते हैं, ठीक है? फॉर्मूला एकदम सिंपल है. देखो, जो मेरे ऑडिट की फास्ट ट्रैक क्लासेस है, दोज क्लासेस आर ऑफ 60 आवर्स, 59 आवर्स का टेंटेटिवली, राइट? तो 60 आवर्स का फास्ट ट्रैक क्लासेस है. एंड जिस बच्चे ने कभी भी ऑडिट पहले नहीं पढ़ा है, वो भी बच्चा उन फास्ट ट्रैक क्लासेस के थ्रू अपने ऑडिट की तैयारी कर सकता है. अब आपने क्या करनी है सर, वो जो फास्ट ट्रैक क्लासेस है आपने डेली बेसिस में ना 6 घंटे क्लासेस देखनी है. 3 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम को, 3 आवर्स मॉर्निंग, 3 आवर्स इवनिंग, राइट? तो आपने डेली बेसिस में क्या करना है सर, 6 घंटे की क्लासेस देखनी है और साथ में 4 घंटे जो आपने क्लासेस देखा है ना उसी कंटेंट को रिवाइज करना है. तो फॉर्मूला एकदम सिंपल है. डेली बेसिस में मेरे को 6 घंटा क्लास देखना है और साथ में मेरे को क्या करना है सर, 4 घंटे का रिविजन करना है, राइट? और अगर आपको लगता है कि सर डेली बेसिस में 6 घंटा तो क्लासेस देखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज डिपेंड्स एक बच्चे की कैपेसिटी क्या है. अगर आपकी कैपेसिटी है कि ये सब 6 घंटे स्क्रीन में रह सकते हो, 6 घंटे की क्लासेस देख सकते हो एंड साथ में 4 घंटे रिविजन कर सकते हो, तो 10 डेज के अंदर आपका जो फर्स्ट रिविजन है ऑडिट का बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा. लेकिन आपको लगता है कि सर 6 घंटा तो मेरे लिए बहुत ज्यादा है सर, 6 घंटा तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है सर, 3 आवर्स आप बोलते तो मैं 3 आवर्स मैनेज कर लेता, तो आप इसी को 20 डेज प्लानर बना लीजिए. तो इन दैट वाले सिनेरियो आप क्या करें, 15 डेज प्लानर बना लीजिए, आप 4 आवर्स करके क्लासेस को दीजिए, ठीक है ना? और फिर बचा हुआ टाइम सेल्फ स्टडी को दीजिए, या 20 डेज प्लानर बना लीजिए, 3 आवर्स करके क्लासेस को दीजिए और बचा हुआ टाइम सेल्फ स्टडी को दीजिए. बट 60-40 का आपने फॉर्मूला फॉलो करना होगा. मतलब अगर आपने 10 घंटे मान लीजिए क्लासेस को दिए, तो 4 घंटे आपने रिविजन को देने हैं सेम कंटेंट को रिवाइज करने के लिए. सो दैट इज द फॉर्मूला यू हैव टू यूज, राइट? तो 6 आवर्स + 4 आवर्स का फॉर्मूला है आपका. ड्यूरेशन ऑफ क्लासेस 60 आवर्स है. टाइम एलोकेशन आपने क्या करनी है सर, आपने वहां पे टोटल मिलाकर स्ट्रेटेजी जो फॉलो करनी है कि अगर मैंने क्लासेस 10 घंटे का देखा, उस कंटेंट को रिवाइज करने में मेरे को 4 घंटे लगने चाहिए मैक्सिमम, और आराम से हो जाएगा. मतलब 4 घंटे कम ही बता रहा हूं, आप 3 घंटे में कर लोगे. 10 आवर्स का जो क्लासेस का पार्ट है, आप 3 घंटे में रिवाइज कर लोगे, 1 घंटे में सेकंड रिविजन हो जाएगा. मतलब मान लो आपने कंपनी ऑडिट का चैप्टर देखा 8 घंटे लगाकर, तो आप आराम से मान लीजिए 8 आवर्स का 3 आवर्स के अंदर या 2.5 आवर्स के अंदर आप उस कंटेंट को प्रॉपर्ली रिवाइज कर लोगे और फिर बचे हुए 1 घंटे के अंदर आपको सेकंड टाइम भी रिवाइज कर लोगे. तो आपका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है सर. 10 घंटे मैंने क्लासेस को दी है, उस कंटेंट को रिवाइज करने में 4 घंटे लगेंगे. ये 4 घंटे में भी आप 2 बार रिवाइज कर पाओगे कंटेंट को,
और ये आपने कर लिया तो मेरा हर टॉपिक का आपको ऑडियो रिवीजन प्रोवाइड किया जाता है जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करता हूं। तो उस ऑडियो रिवीजन के थ्रू मैक्सिमम आप वही 10 घंटे का टॉपिक 1 घंटे में कर सकते हैं। मतलब 10 घंटे का क्लासेस देखा, उस जो क्लासेस के अंदर मैंने कंटेंट डिलीवर किया है उसको अपने 4 घंटे में कंप्लीट किया, और फिर आपने उसका ऑडियो क्लिप सुना या रेलिवेंट वीडियो रिविजनरी वीडियो अवेलेबल आपने वो देखी, और आप देखोगे कि लगभग 1 घंटे में वो चीज आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन ये जो ऑडियो रिविजन का टाइम है या जो वीडियो रिविजन का टाइम है वो अलग होना चाहिए, बाकी क्लासेस के टाइम से अलग होना चाहिए, डे के शेड्यूल से अलग होना चाहिए। आपका जो एक्स्ट्रा सेंट्रल टाइम है आप उसमें ही ऑडियो रिवीजन फॉलो करेंगे, राइट? तो आपने ये जो ऑडियो रिवीजन फॉलो करनी है सर, ये वो जो 10 घंटे का टाइम है ना दिन का, उसमें काउंट नहीं होगा। मतलब जो भी आपका एक्स्ट्रा टाइम है, मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूं मैं ऑडियो सुन लूंगा, मैं लंच कर रहा हूं मैं ऑडियो सुन लूंगा, मैं डिनर कर रहा हूं मैं ऑडियो सुन लूंगा, जो कि मेरा प्राइवेट टाइम है, मैं वॉशरूम में बैठा हूं वहां भी मैं ऑडियो सुन लूंगा। इस तरीके से अपन इस ऑडियो रिविजन टेक्निक को फॉलो करेंगे। प्लस आपने क्या करनी है, मान लीजिए आपने कंपनी ऑडिट के लेक्चर्स देख लिए, अब आप आ गए कारों में, तो लेक्चर्स आप कारों के देख रहे हैं बट ऑडियो रिविजन आप कंपनी ऑडिट के सुन रहे हैं, ठीक है ना? मतलब कारों का क्लास देखा, रिवाइज कारों का किया, साथ में ऑडियो रिविजन मैंने कंपनी ऑडिट का सुना। फिर हम मान लीजिए कारों के बाद गए स्टैंडर्ड्स में, तो स्टैंडर्ड्स के अंदर हमने कारों का ऑडियो क्लिप साथ में सुना। इस तरीके से ये ऑडियो रिवीजन साथ साथ चलते जाना चाहिए ऑन ए डेली बेसिस, राइट? ऑन ए डेली बेसिस चलते जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि वो जो फर्स्ट चैप्टर है ना, आप उस फर्स्ट चैप्टर को भी लास्ट तक नहीं भूलेंगे जब तक आपका क्लासेस खत्म नहीं हो जाता, अगर आप इस ऑडियो रिविजन टेक्निक को साथ साथ फॉलो करते रहते हैं। क्योंकि आपने 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए तो 5th चैप्टर में आप जब आओ तो पॉसिबिलिटी है कि आप फर्स्ट चैप्टर भूलने लगेंगे, आपके दिमाग से ड्विंडल होने लगेगा। तो उसके लिए अपने को क्या करना है सर, बार बार तो पॉसिबल नहीं है कि मैं फर्स्ट चैप्टर लेके बैठ जाऊं, फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज करने बैठ जाऊं। लेकिन आप 6th चैप्टर में भी हैं, आप दोबारा से ऑडियोज फर्स्ट चैप्टर का सुनना स्टार्ट कर देंगे। मतलब ऑडियो क्लिप्स आपने डेली बेसिस में सुनना है, उसके लिए अलग से 1 से 1.5 घंटा डेली बेसिस में आपने क्या दे देना है सर, झोंक देना है डेली बेसिस में। 1-1.5 आवर्स आपने ऑडियो के लिए अलग से टाइम देना है। दैट इज समथिंग यू हैव टू डू, वो चीज आपने करनी होगी। फर्स्ट लेक्चर मान लीजिए कंपनी ऑडिट का देखा, क्लासेस डन, साथ में रिवाइज हो गया, कंपनी ऑडिट का ऑडियो क्लिप सुन दिया। सेकंड लेक्चर पे आए कारो, कारों का रिवाइज हुआ, वीडियो के साथ पहले वीडियो देखा, फिर रिवाइज करा, फिर पहले कंपनी ऑडिट का ऑडियो सुना, फिर कारों का, फिर मैंने कारों का ऑडियो सुना। फिर थर्ड टॉपिक पे आए, मान लीजिए सपोज ऑडिट ऑफ पीएसयू कर रहे हैं, फिर आपने वीडियो देखा, रिवाइज करा, दोबारा से आपने कंपनी ऑडिट का ऑडियो सुना, कारों का ऑडियो सुना। ऑडिट ऑफ पीएसयू का ऑडियो अभी आप नहीं भी सुनेंगे तो मैं भी 2 चैप्टर कर लेंगे, उसके बाद आप ऑडिट ऑफ पीएसयू का ऑडियो सुन लो, ताकि क्या होगा कि हर चैप्टर आपके दिमाग में कंटिन्यूअस बेसिस में चलता रहेगा, वो जो रिवीजन फ्लो है आपके दिमाग में चलता रहेगा। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे सर 10 दिन में मेरा वीडियो लेक्चर्स भी देखना हो गया, 10 दिन में सर मेरा एक बार रिविजन भी हो गया, और वो जो ऑडियो क्लिप का टेक्निक था सर वो इतना जबरदस्त था कि मैं पूरे ऑडिट करने के बाद अभी भी हर चैप्टर में चीजों को कनेक्ट कर पा रहा हूं, अभी भी मुझे मोटा मोटी रूप में चीजें याद हैं। तो ये तो 10+2 लग जाएगा, दिन में 2 घंटा ऑडियो को दे दो, 10 की जगह 12 दिन लग जाएंगे, 2 दिन एक्स्ट्रा लग जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप देखोगे सर पहली बार मैं ऑडिट कर रहा हूं या सेम टेक्निक में लॉ में फॉलो कर रहा हूं, तो पहली बार मैं लॉ कर रहा हूं लेकिन सर मजा आ गया मुझे, 10 दिन में सिलेबस कंप्लीट हो गया सर, पॉसिबल है क्या? यस माय फ्रेंड्स पॉसिबल है, 10 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है तुम्हारा, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। एंड तुम्हारे दोस्त जो नॉर्मल पैटर्न में क्लासेस कर रहे हैं, पता चलेगा उन्होंने 2-3 घंटे क्लासेस को लगा दी, 2-3 महीने क्लासेस को लगा दी, फिर भी उनको फर्स्ट चैप्टर का कुछ याद नहीं है, लेकिन जो टेक्निक मैंने तुमको बताया है उसके अंदर 10 दिन में तुमने पूरा सिलेबस कवर किया है और अभी भी तुमको फर्स्ट चैप्टर का कंटेंट याद है, क्योंकि तुम ऑडियोज रेगुलर बेसिस में सुनते जा रहे हो, राइट? सो दैट इज समथिंग यू हैव टू डू। बाकी आपके ऊपर है, आप चाहो तो 10 डेज प्लानर को 20 डेज प्लानर बना सकते हो, 3+3। अगर आपने आराम से आप टाइम दे सकते हो, आपका अटेम्प्ट बाद में है, इमिडिएटली अभी अटेम्प्ट नहीं है, तो आप 2 महीने का टाइम ले लीजिए, फास्ट्रैक की जगह रेगुलर कोर्स लीजिए, डेली बेसिस में सिर्फ 2 घंटे ऑडिट को दीजिए 2 महीने तक, और साथ में 2 घंटे रिवाइज कीजिए और ऑडियो सुनिए, वो और भी अच्छे से ऑडिट आपका तैयार हो जाएगा, तो वो आपके ऊपर है। तो मैंने आपको फास्ट ट्रैक अप्रोच से जाके रेगुलर अप्रोच तक सारा बता दिया। मतलब आप T10 खेलना चाहते हैं, T20 खेलना चाहते हैं, 50 ओवर्स मैच खेलना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। तीनों अप्रोचेस आपके पास अवेलेबल है, एवरीथिंग यू कैन डू, एंड फ्रॉम एवरी अप्रोच यू कैन डिराइव दोज गुड रिजल्ट्स, है ना? टाइम है तो ये रेगुलर अप्रोच में जाइए, 2 आवर्स ऑडिट प्लानर में जाइए। टाइम नहीं है तो सर 10 डेज प्लानर 20 डेज प्लानर आपके लिए अवेलेबल है, आप विद क्लासेस विद क्लैरिटी ऑडिट को कंप्लीट कर सकते हैं लिमिटेड टाइम फ्रेम में। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, आपको मेरे दिए गए गाइडेंस फॉलो करने होंगे, आपको मेरे दिए गए इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होंगे। क्लासेस देखनी है तो ईमानदारी से देखना है, ऐसा नहीं कि क्लासेस देख रहे हैं माइंड डिस्ट्रैक्टेड है, दिमाग में स्ट्रेस है, पूरा 100% फोकस रहना चाहिए। फिर जैसे मैंने आपको बताया, साथ साथ रिवाइज करना है और ऑडियो रिविजन टेक्निक यूज करनी है। अगले चैप्टर में गए, फिर फर्स्ट चैप्टर का ऑडियो सुनना है,
थर्ड चैप्टर में गए फिर सेकंड चैप्टर का ऑडियो सुनना है, फोर्थ में गए फिर थर्ड चैप्टर का ऑडियो सुनना है, फिफ्थ चैप्टर में गए फिर पहले चारों चैप्टर का ऑडियो सुनना है, चाहिए तो बीच में एक दिन ब्रेक ले लिया, फिर फिफ्थ चैप्टर के बाद चारों चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लिया। तो इस तरीके से 10 की जगह 12-13 दिन लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अपना ऑडिट एक बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा एंड आप देखोगे कि 10 डेज के अंदर ही सर मैंने तो कमाल कर दिया है ना। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो स्ट्रैटेजी है आपको पसंद आई होगी, बहुत सारे बच्चों ने बेनिफिट डिराइव किया है ओवर द इयर्स यूजिंग दिस एंड कम टाइम फ्रेम के अंदर अच्छे रिजल्ट्स अचीव करे हैं, बिकॉज अगेन टाइम इज मनी है ना, टाइम इज मनी। और ये जो फास्ट ट्रैक कोर्स है ऑडिट का, तो आप कहां से ले सकते हैं, हमारा जो पोर्टल है apnamentor.com, आप वहां से जाकर ऑडिट लॉ इकोनॉमिक लॉज हर कोर्स के क्लासेस ले सकते हैं इंक्लूडिंग द फास्ट ट्रैक कोर्सेज, और यू कैन कॉन्टेक्ट 6901955055/56 फॉर एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस। ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर। एंड अगर आपको मुझसे कुछ असिस्टेंस चाहिए, आपका कोई क्वायरी है एकेडमिक्स के अंदर, सब्जेक्ट में आपका कोई क्वायरी है, तो आई एम जस्ट ए स्टेप अवे इन टेलीग्राम, मेरा टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, टेलीग्राम पे मैं पर्सनली अवेलेबल हूं एनी टाइम, आपने कोई भी क्वायरी है मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे मैसेज करें और 24 आवर्स के अंदर आपको उसका रिवर्ट जरूर मिलेगा। ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर।